हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है। और क्यों स्पेशल है? आज मेरा बर्थडे है गाइस, और बस इसलिए स्पेशल है। और इस दिन को और स्पेशल बनाने के लिए हम कुछ और भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हो। मैं पिछली बार भी मेरा बर्थडे आप लोगों ने देखा हुआ कि मैं कुछ अलग तरीके से मनाता हूँ, तो इस बार भी कुछ अलग तरीके से मना रहे हैं। सारे फैमिली मिलके फिर से वहीं पे जा रहे हैं, मानव सेवा आश्रम। तो कैसे बर्थडे सेलिब्रेट होता है, क्या क्या होता है, वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते और क्या करते हैं, चलते हैं। तो चलो चलते हैं। सारे लोग आगे निकल गए, अब हम लोग बाकी हैं, तो हम लोग भी निकलते हैं। चलो जी, तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे मानव सेवा आश्रम, और यहीं पे पिछली बार की तरह ही बर्थडे मनाना है। और यहाँ पे हमारे सारे फैमिली लोग भी आ चुके हैं, पापा भी आए हैं, तारा पटेल भी आए, अल्ताफ भाई नहीं आए, उनको कुछ काम था, बाकी सब लोग आए हैं। राहुल भी आया है, राज भी आया है, क्योंकि मानव सेवा आश्रम में इसका जान पहचान कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए तो ये भी आया। तो चलो गाइस, के आई रहने से बहुत खराब होगा रास्ता। तो यहाँ पे अभी अब इसमें आके बैठे हैं, मानव सेवा आश्रम जो है कहाँ पे, ये लोकेशन है पंटोका सिरिसिया। और यहाँ पे जितना भी ब्रिगेंज में सब ऑफिस था, सबको यहीं पे, सब यहीं पे शिफ्ट कर दिया है। जितने भी ग्रीन कलर से हाईलाइट है, ये येलो का ब्रांच है ना, और जो येलो से है वो अभी बन रहा है। और यहाँ पे जूता नहीं लग रहा है, वहाँ पे भी जूता पहना जा रहा है, अब हम खड़े होंगे तो जाएंगे उससे। मैडम अब चप्पल पहन रही हैं अच्छे से। तो गाइस ये देख सकते हो, ये पूरा मानव सेवा का बिल्डिंग है। पिछली बार आए थे तो थोड़ा सा बन ही रहा था, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट हो गया है और बहुत सुंदर दिख रहा है। कितना सुंदर दिख रहा है मानव सेवा आश्रम का, ये हो गया। और यहाँ पे सारे लोग नमस्ते। चलो जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे उधर सब नाश्ते को प्लेट में रख के उसके बाद सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उससे पहले यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा जो भी इनका प्रोग्राम वगैरह होता है वो सब होगा। तो चलो ब्लॉग में बने रहो।
यहाँ पे अब सब लोग को नाश्ता दिया जाएगा। तो गाइस यही था मेरा बर्थडे स्पेशल। तो कैसा लगा भाई बर्थडे? और एक और बात, आप लोग भी ऐसे ही बर्थडे मनाना यार, ज़्यादा बेटर रहता रहेगा। कल दाई का फरमाइश आया कि इनको फोकस में लिया जाए, तीन को फेमस है। और यहाँ पे हमारा प्यारा विक्की, हाय कर दो विक्की, हाय हाय करो यहाँ पे। दूसरे तरफ बड़े मकाने नो, तो अब गिफ्ट अनबॉक्सिंग का टाइम हो चुका है, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या है इसमें देखते हैं। बहुत दूर से ये गिफ्ट आया है, लंदन से गिफ्ट आया है एक इधर है, एक इधर है, दो छोर है। बाइक, जो मेरा बाइक है उसी का, उसी कंपनी का कुछ है। पर खुले, ओह माय गॉड, सही है भाई, सही है साविरिंग जी, सही है। और एक लेटर भी है, और ये हैप्पी बर्थडे का जो मेरी बड़ी बाजी है उन्होंने पठाया है, इंग्लिश में है, मुझे नहीं आता उतना आता है भाई, आता है। मैं दिस स्पेशल डे यू आर ऑलवेज हैप्पीनेस, ए बी सी डी लिखा है, बाद में ट्रांसलेट कर लेना। ये व्हाइट वाला सूट चमक रहा है, मेरे शक्ल से ज्यादा तो यही चमक रहा है भाई, सही है। थैंक यू, ये वाली, ये वाला मेरी छोटी बहन ने दिया है, और ये वाला ये टीचर साहिबा ने दिया है, यहाँ पे है। अभी चॉकलेट लेके खा रही है वो वाले। ये शूज हो गया, एक ब्लैक में शूज हो गया, एक ये हो गया। आप लोगों ने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है, तो थैंक यू। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं स्मोकी हाउस, और यहाँ पे आज बर्थडे का लास्ट डे बनेगा, मतलब लास्ट में जो बनेगा वो यही पे बनेगा। आप फैमिली के साथ सोचे कि आज बाहर ही खाना खाते हैं, सब लोग यहाँ आए हैं, पापा नहीं आए क्योंकि पापा को बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। लेकिन बाकी सब लोग आए, अभी अल्ताफ दाई भी आ रहे हैं फाइनली। आतिफ हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, हाँ हेलो हेलो। अल्ताफ दाई भी आ चुके हैं, भाभी भी आ चुके हैं, सब लोग यहाँ पे अब आ चुके हैं। आतिफ डांस करेगा, डांस करेगा आतिफ ना आतिफ।